हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आज हम जानेंगे कि एक्सप्रेस बी के कस्टमर केयर से आप कैसा बात कर सकते हैं। फ्रेंड, इजी तरीका आपको बताने वाला हूँ। आपने किसी वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर किया हो या आपका कंप्लेंट करना है फ्रेंड्स डिलीवरी बॉय की या किसी और चीज़ की, आपके ऑर्डर रिलेटेड या आपको किसी ने ऑर्डर भेजा हो, आपको नहीं मिल रहा है, तो कुछ भी हो फ्रेंड, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बहुत ईजी तरीका है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियो आपके लिए आती रहती है। फ्रेंड्स, हमारे ऑर्डर में से आपको जाना चाहो तो अपने ऑर्डर में से ये वेबसाइट पे जा सकते हो। आपके एक्सप्रेस बी के वेबसाइट पे नहीं जाना चाहते हो तो आपको क्रोम में जाना है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ से डायरेक्ट भी कॉन्टैक्ट करने के लिए ऑप्शन बताने वाला हूँ, आपको कौन से नंबर पे करना है फ्रेंड्स, और इजीली तरीके से आप डायरेक्ट कस्टमर केयर से बात कर सके। तो चलिए हम क्रोम में चले जाते हैं। आपको सेम टू सेम प्रोसेस करना है, आप एक्सप्रेस बी के कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हो। तो चलिए, हमको यहाँ क्रोम में जाने के बाद यहाँ लिखना है एक्सप्रेस बी, और आपको सर्च कर लेना है expressbee.com, लिख के सर्च कर लेना है फ्रेंड्स, और आपको ऐसी वेबसाइट आ जाएगी एक्सप्रेस बी की। यहाँ हमको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट अस लिखा है और ट्रैक लिखा है, तो हम एक्सप्रेस बी पे क्लिक करेंगे और राइट हैंड साइड हमको ये 3 लाइन दिख रही फ्रेंड्स। यहाँ देखिए, आपको राइट हैंड साइड पे इस पर क्लिक करके कॉन्टेक्ट अस का हमको इधर एक ऑप्शन दिखने के लिए मिलता है 5th पोजीशन में फ्रेंड्स, 5th या 6th पोजीशन में। देखिए, इधर हमको 3 ऑप्शन मिलते हैं डायरेक्ट एक्सप्रेस बी से कॉन्टैक्ट करने हैं फ्रेंड। इसमें से आप कोई भी ऑप्शन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आपको कैसा कॉन्टैक्ट करना है ये बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, बहुत इजी तरीके से। आपको एक नंबर नहीं लगे तो आप सेकंड नंबर पे फ्रेंड ट्राई कर सके, या आप डायरेक्ट मैसेज करके भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो उनको। ये 4 तरीका आपको इधर प्रोवाइड किया गया। एक तो फॉर्म भर सकते हो फ्रेंड, या आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, और कॉल बैक के लिए भी ऑप्शन दे सकते हो फ्रेंड। डायरेक्ट वहाँ से आपको कॉल आएगा और जो भी आपका प्रॉब्लम है सॉल्व कर दिया जाएगा। तो दोस्तों देखिए, इधर लिखा है फॉर इंक्वायरीज एंड फीडबैक कॉल आउट टू कस्टमर केयर ऑन, ये आपका नंबर है फ्रेंड, इस पर आप चाहे तो खुद कॉल कर सकते हो, और ईमेल आईडी दिया गया है। यहाँ आप ईमेल आईडी पे क्लिक करके ईमेल भी कर सकते हो। और थर्ड फ्रेंड्स, यहाँ आप डायरेक्ट देखिए फ्रेंड्स, अपना AWB नंबर डाल के कॉल बैक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो मैं अपना AWB नंबर डाल के इधर कॉल बैक के लिए आपको रिक्वेस्ट करके दिखाया फ्रेंड, ऐसा कर सकते हो। देखिए, क्लिक हियर पे क्लिक करना है, वहाँ से आपको डायरेक्ट कॉल आएगा। यहाँ अपना AWB नंबर डालना है, जो भी आपका ऑर्डर होता है फ्रेंड उस पर AWB नंबर होता है वो आपको डालना है। कैप्चा को आपको सेलेक्ट कर लेना है, क्लिक कर लेना और सबमिट कर देना है। तो ये हमारा पहले से रिक्वेस्ट हो चुका है, ये बता रहा है। तो ऐसा करके अब आपको आधे से 1 घंटे के अंदर आपको कॉल नहीं लगता है फ्रेंड्स, तो खुद वहाँ से कॉल आता है। तो आप कॉल पे आपको पिकअप कर लेना है। आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने ऑर्डर रिलेटेड के बारे में बात करना चाहते हो तो आपको ये डिलीवरी बॉय का नंबर आपके मैसेज में आ जाता है। जब जिस दिन आपका डिलीवरी है उस दिन आपको डिलीवरी बॉय का नंबर मिलता है, तो आपको कॉल करने की यह ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद वो डिलीवरी बॉय का नंबर आपको दे देगा जिस दिन आपका ऑर्डर आउट फॉर डिलीवरी होगा उस दिन। तो आपको कोई दूसरे चीज़ के लिए चाहिए फ्रेंड, यहाँ आप ईमेल कर सकते हो, क्लिक हियर पे कॉल करके AWB नंबर पे आप क्लिक करके आप अपना रिक्वेस्ट कर सकते हो कॉल बैक के लिए। आपको अगर ये नंबर पे ऊपर कॉल नहीं लगता है तो आपको क्लिक बैक करके फ्रेंड्स आपको रिक्वेस्ट करना है, तो आपको खुद कॉल आता है और आपको बार बार क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको फ्रेंड्स ये वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाती रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड्स।